वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी घाटों पर सांप्रदायिक पोस्टर लगाने वाले 5 लोगों पर मामला दर्ज, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पंचगंगा, दशा, अश्वमेध, 80 और मणिकर्णिक समेत कई घाटों पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर गैर हिंदुओं को गंगा घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि उसने पोस्टर लगाने वाले 2 सदस्यों को संगठन से निकाल दिया है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वाराणसी में गंगा के विभिन्न घाटों पर कथित तौर पर पोस्टर चिपका कर गैर हिंदुओं को घाटों से दूर रहने की चेतावनी देने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भेलपुर पुलिस थाने में 9 जनवरी रविवार को मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कथित सदस्यों ने घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है लिखे हुए पोस्टर चिपका दिए थे। इन पोस्टरों को लगाते हुए उनके फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले गए थे। इन 5 लोगों में से 2 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से संबंध रखते थे। वीडियो में यह स्वीकार करते भी देखे गए थे। पुलिस ने दोनों की पहचान राजन गुप्ता और निखिल त्रिपाठी रुद्र के रूप में की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया था कि विश्व हिंदू परिषद की वाराणसी विंग के सचिव राजन गुप्ता ने एक वीडियो में कहा था, ये पोस्टर अपील नहीं बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं। काशी के घाटों और मंदिरों को हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रतीक बताते हुए गुप्ता ने कहा था, अन्य धर्म के लोगों को यहां से दूर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर यहां आने वाले लोगों की हिंदू धर्म में आस्था है तो उनका स्वागत है, अगर आस्था नहीं है तो हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे। वहीं बजरंग दल के वाराणसी संयोजक निखिल त्रिपाठी और रुद्र ने कहा था, गंगा हमारी माँ है, यह पिकनिक स्पॉट नहीं है। जो गंगा को पिकनिक स्पॉट मानते हैं उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। अगर वे खुद दूर नहीं रहते तो बजरंग दल ऐसा करेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को कहा कि दोनों सदस्यों को संगठन से बाहर कर दिया गया है। रविवार को पुलिस सह आयुक्त भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह ने इस अखबार को बताया कि जांचकर्ता मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भेलूपुर थाना प्रभारी रमाकांत दुबे ने कहा कि पुलिस ने गुप्ता और त्रिपाठी को नोटिस दिया है और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें 5-5 लाख रुपए के निजी मुचलके जमा करने के आदेश दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के काशी वाराणसी प्रांत मंत्री आनंद सिंह ने बताया कि गुप्ता और त्रिपाठी को संगठन से हटाकर उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई है। स्थानीय पुलिस कांग्रेस नेता राघवेंद्र चौबे ने न्यूज को बताया कि उनकी पार्टी ने पुलिस को दक्षिण पंथियों की इस उपद्रवी हरकत की सूचना दी थी। उन्होंने कहा, मैंने ही वरुणा जॉन के DJP को फोन करके नफरत फैलाने वाले इस हरकत के बारे में सूचित किया था। वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत ने फोन पर बताया कि गंगा और उसके घाट कभी एक धर्म के नहीं रहे। उन्होंने बताया कि कैसे उस्ताद बिस्मिल्ला खान गंगा में स्नान के बाद ही
नमाज अदा करते थे। उन्होंने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा, राजनीतिक फायदे के लिए कोई धर्म के नाम पर वाराणसी को बांट कैसे सकता है। बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यह हरकत विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो अब तक का ये खबर था, वाराणसी घाटों पर सांप्रदायिक पोस्टर लगाने वाले 5 लोगों पर मामला दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं। हालांकि आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे तो चाहे वो नेपाल में हो क्रिमिनल या पाताल में हो, उन्हें खोज निकालता है। लेकिन इस मामले में देखिए क्या होता है। बने रहेंगे इस चैनल पर। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।